हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इंफोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं सबका। दोस्तों, आज मार्केट में सिनारियो कुछ 50-70 या 30-70, 50-50% के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक्स थे जो नॉर्मल लेवल पे ट्रेड हो रहे थे, लेकिन काफी उनमें से कुछ गिने चुने, जैसे कहते हैं ना, जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, खास करके शुगर इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक्स हैं, बाय गॉड काफी जबरदस्त भाग रहे हैं। और उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने ही वाला हूँ। दो तीन स्टॉक्स मैंने निकाल करके रखे हुए हैं। और आज हमने देखा ट्राइडेंट है, बजाज हिंदुस्तान है, भेल है, ये ऐसे स्टॉक्स हैं इनमें लगभग अपर सर्किट के आसपास ये लोग पहुंच चुके थे। दोनों दिनों में अपर सर्किट लग भी चुका था। और भेल तो लगभग 14%, बाय गॉड 14% भेल इतना भागा हुआ मैंने तो कभी नहीं देखा। और पूरे जोरों शोरों से भेल भाग रहे हैं। और काफी ज्यादा लोग जो मतलब भेल के ऊपर जिसको गालियां दे रहे थे, यार ये कब से पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब मैं भी उनमें से हूँ, क्योंकि मेरे पास भी भेल था जब भेल कुछ 30-35 रुपए पे आ गया था। हालत बहुत खराब थी, इंतजार कर करके थक गए थे। और कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लेवल होता है, तो वो टूट जाने के बाद हम लोग उसको बेच देते हैं। तो ऐसी कुछ हालत मेरे साथ भी हुई थी कि 40-45 के कहीं पे आसपास था, मैं थक गया वेट कर करके। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने फंड को रिलायंस में शिफ्ट कर दिया यहाँ से। तो ठीक है, अपनी अपनी बात है, अपने अपने फायदे नुकसान है। तो आज भेल ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है। तो काफी लोगों के दिल में यह सवाल है कि भाई क्यों, मतलब ऑल ऑफ सडन ये सारा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये चीज है दोस्तों, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो रही है। अगर आप 1 महीना पीछे चले जाओ तो काफी सारी बातें आपको भेल के बारे में देखने को मिलेंगी। पहले तो भेल ने ओएनजीसी के, माफ कीजिए, आईओसीएल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उनका एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक जगह था उसको रिपेयर करने का, सेटअप करने का, सल्फर का प्लांट था, उसको सेटअप करना, मेंटेन करना, वो सारा काम भेल को दिया गया था। लगभग 800 करोड़ का कुछ काम था। उसके बाद में बेल ने भी अपना एक कोल प्लांट का काम शुरू किया था, वो भी एक चीज है। तो यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस चल ही रहा था। और ऊपर से ये जो ऑक्सीजन वाला सप्लाई शुरू हुआ है ना बेल का, तो वहां से तो मतलब बेल का चमकना शुरू हुआ बोल सकते हैं। एक चीज है जो किसी के लिए बुरी हो जाती है, वही चीज किसी के लिए अच्छी कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स पेशेंट्स के लिए काफी बुरी खबर है, बट उसके सप्लाई की जब बात आती है तो बेल सबसे बढ़कर सप्लाई कर रहा है। काफी ज्यादा ट्रेनें भगाई जा रही हैं, क्रायोनिक कंटेनर जिसे बोलते हैं, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इस चीज को। तो वो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। काफी जगह से ऑक्सीजन बनाई जा रही है बेल के प्लांट्स में, और उसे सप्लाई भी किया जा रहा है। जैसे भोपाल हो गया, हरिद्वार हो गया, या फिर गुजरात में भी कुछ प्लांट है, गाजियाबाद में है, तो काफी जगह से ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। और इसके चलते भेल को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आने वाले समय में भेल का ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस रहेगा। प्लस इसने अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दो काम्स और भी लेकर के रखे हुए, ऑर्डर बुक काफी अच्छा है इनका भी फिलहाल के लिए। तो और एक चीज है वो भी बताना चाहूंगा, मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक आर्टिकल पे। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, भोपाल और हरिद्वार के यहाँ से काफी बढ़िया ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, और फ्यूचर में इसका प्लान भी बहुत बड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो मैं एक कलर भी आपको चाहिए तो मैं डाल देता हूँ इसके ऊपर। भेल देखिए, प्लांट सप्लाइंग जो है वो 6,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन डेली सप्लाई कर रहा है भोपाल जिसके हॉस्पिटल्स में। और यह लगभग 975 सिलेंडर इसने फ्राइडे को डिलीवर किया था। तो अब एक अंदाजा लगाइए क्या कितने बड़े क्वांटिटी में ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हरिद्वार प्लांट को भी अगर आप देखो तो उसको भी अपग्रेड करने वाले, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सप्लाई कैपेसिटी जो लगभग 16,000 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे सप्लाई करने वाले हैं, और जिसका कैपेसिटी होगा लगभग 2,000 सिलेंडर, जो अभी लगभग 700 सिलेंडर के आसपास ये लोग सप्लाई कर पा रहे हैं, उसको 2,000 सिलेंडर के आसपास ये लोग करने वाले हैं। साथ साथ में ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को मीट करने के लिए यूनिट्स का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और यूनिट्स भी बढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा काम अगर बेल कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप सोचिएगा डेफिनेटली इसका फायदा बेल को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। क्योंकि एक बार ही हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर ऐसी कुछ पेंडेमिक हो जाता है तो कुछ स्पेसिफिक चीजों की हमें रिक्वायरमेंट लगने ही वाली है, जिसके
जैसे एक ऑक्सीजन सप्लाई बहुत प्रायोरिटी लेवल पर इसको लेगी अभी गवर्नमेंट आने वाले समय में। दूसरी चीज होगी ये जो क्रायोनिक कंटेनर डेवलप हो गए हैं, ये ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स हो गए, छोटी छोटी मशीनरीज आएंगी अभी आने वाले समय में, तो बहुत ज्यादा काम इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखिए, आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा। तो भेल का ये सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है, और साथ साथ में ये अपना एक कोल वाला प्लांट भी है, उसे भी अभी ऑक्सीजन। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है, या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास दो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो, तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर, कि इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है, 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है, या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। डेवलपमेंट करने के लिए, बनाने के लिए लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप रहेगा भेल को आने जाने के लिए। तो अभी इसके ऊपर दूसरी बात अगर करते हैं ना, तो मार्केट का हाल देखिएगा इनका, 25 करोड़ स्टॉक भेल का ट्रेड हुआ है। इतनी बड़ी क्वांटिटी भेल कभी ट्रेड नहीं करता, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसमें से 5.5 करोड़ के आसपास की डिलीवरी भी उठाई जा चुकी है, जो 20% के आसपास है। अभी ये डिलीवरी इतनी कम इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ट्रेड क्वांटिटी हुई थी, ये भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, बट एक लेवल होता है उसके बाद में लोग गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं, कि एक सर्टेन लेवल तक ये पहुंच चुका है, अभी ये शायद यहाँ से गिर सकते हैं। अभी देखिएगा, हाल ही में कोई फोरकास्ट अगर आप देखते हो तो कोई 25 में से कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, डिविडेंड अच्छा नहीं है, रिटर्न अच्छा नहीं है इसमें से, सॉरी, इसकी वजह से ना कोई इसको रिकमेंड नहीं कर रहा है। बस शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आप मूवमेंट देखोगे ना चार्ट पर, तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया, एक तो ब्रेकआउट मिला, सबसे बड़ी बात है ना ब्रेकआउट का है, देखिए बहुत लंबा ब्रेकआउट है ये। अगर आप देखोगे ना, तो ये जो लेवल है लगभग 56 का, ये आपको सीधा दिखाई देगा यहाँ पर ये, और ये लगभग 2019 का दिसंबर का रेंज है उसके बाद से, और ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। ये देखिए, ये लगभग है अगस्त से पहले का रेसिस्टेंस है, अगस्त 19 का, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके लिए पहले तो ऊपर ही था, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट काम किया इसने। पहली बात तो ये तोड़ करके 56 का, ये बहुत बड़ी बात हो गई, उसकी वजह से तो उछाल डेफिनेटली आना ही था। अब इसके बाद में जो उछाल आया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा उछाल है, और ये लगभग 65 तक पहुंच चुका है। अगर ये देखिए, ऑलरेडी स्टॉक अगर आप समझते हो ना, प्राइस 36 से लेकर के ये पहुंच चुका है ओवरबॉट जोन में, डायरेक्ट 80 के आसपास। अगर ये स्टॉक कल थोड़ा सा उछाल और दिखा देता है, क्योंकि देखिए अर्निंग भी आने वाली लगभग मेरे ख्याल से महीने भर में अर्निंग भी डिक्लेयर हो जाएगी, तो ये अगर यहां से पहुंच जाता है ना 67 के ऊपर, तो ये हल्का सा करेक्शन दिखाएगा। ऑलरेडी एमएससीडी लाइन के ऊपर है, सिग्नल लाइन के ऊपर एमएससीडी लाइन पहुंच चुकी है, स्टॉक ऑलरेडी बुलिश है, वॉल्यूम काफी बढ़िया है इसके अंदर अभी फिलहाल, और स्टॉक अपने दूसरे जो रेसिस्टेंस है ना उसकी तरफ पहुंच चुका है। अगर ये कल हल्का सा भी ऊपर जाकर के अगर इसको टच कर देता है 67 को, तो बहुत क्रुशियल चीजें होंगी। एक तो यहाँ से ब्रेकआउट दिख जाएगा, और बहुत बड़ा ब्रेकआउट, जैसे हमने अभी यहाँ पर ब्रेकआउट जो दिखा हुआ है ना, ये लगभग 7 रुपए का ब्रेकआउट है। अब ये अगर यहाँ से चला जाता है 2 रुपए, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है ना दोस्तों, तो ये सीधा जो है अपना दूसरा हाई जो है 75, इसको टच करेगा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, अगर ये अपने इस रेसिस्टेंस को टच करके जो है सेकेंड हाफ में सेलिंग शुरू हो जाते हैं, तो सीधा गिर जाएगा, या आपको कहीं ना कहीं 60 62 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है प्राइस करेक्शन के लिए।
और उसके बाद में अगर पॉसिबिलिटी है तो ये वापस से एक बार कोशिश करेगा अपने रेसिस्टेंस को तोड़ने की। हाल ही में बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है भेल में दोस्तों, बने रहिएगा। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ से अगर करेक्शन मिल जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर 67 से अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो 76 के लिए आप खरीद सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल इसमें आप ये मत सोचिएगा मैं 65 पे लेके 67 के लिए मैं खरीद लेता हूँ 2 रुपए के लिए तो फंस जाओगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। इसको ब्रेकआउट होने देना, 67 के बाद अगर ब्रेकआउट दिख जाता है तो 75 के लिए खरीदना और आप 67 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन यहां से गिर जाता है तो फिर गिरने दीजिएगा, इसको वेट कीजिएगा और वापस से जब मूवमेंट दिखेगा ना तब खरीद लीजिएगा 67 के लिए, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस तरह से, जिस तरह से भेल फिलहाल बिहेव कर रहा है, जिस तरह से न्यूज आने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी थर्ड वेव बाकी है जिस तरह से बातें हो रही है, जैसे जापान फोर्थ वेव कर रहा है या फिर जर्मनी थर्ड वेव में है, तो यहाँ पर और भी ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है और भी रिक्वायरमेंट आने वाली है। जिस तरह से ग्रीन एनर्जी और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के ऊपर भेल फोकस कर रहा है ना, आने वाले समय में ये स्टॉक 75 को टच जरूर करेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भेल का स्टॉक है बढ़िया चल रहा है, जिन्होंने पैसे कमा लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो इंतजार कर रहे हैं मैंने लेवल्स बता दिया क्या करना है कैसे करना है, फॉलो जरूर कीजिएगा। स्टॉक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का नाम है इन्फो बेयर, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।